कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने अभी कहा, हाँ हाँ छोटे भाई, हाँ बिल्कुल बोलने दीजिए, मेरे छोटे भाई डोटासरा जी ने ये कहा कि जल जीवन मिशन की 31 मार्च को सीमा समाप्त हो गई, अभी तक सीमा भरी नहीं तो कैसे काम होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महाराज, जब कांग्रेस की सरकार थी और जो केंद्रीय सरकार की सुनिए सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे केंद्रीय सरकार ने ये तय किया कि हिंदुस्तान के हर घर के अंदर पानी पहुंचेगा, जल जीवन मिशन की शुरुआत की, उसकी चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। तो हमारे अरे यार, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अब इनके समय में जब जल जीवन मिशन का यहाँ पर पैसा आया, जल जीवन मिशन में ये तय किया कि भाई यहाँ पर जल जीवन मिशन लागू करना है और गांव के अंदर पानी के कनेक्शन देने, तो हमारी कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया और जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में जिस प्रकार से धीमी गति से योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। और जहां तक सुनिए, बीच में मत बोलो, और जहां तक जल जीवन मिशन में 31 तारीख की डेट को आगे बढ़ाने का मामला है, चिंता मत करिए, केंद्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी डबल इंजन की सरकार, निश्चित रूप से इसका टाइम बढ़ेगा। और हमने जो लक्ष्य हासिल किया है कि 25 लाख घरों में इस बार हम एक साल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल ये कनेक्शन देंगे, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो करती है वो कहती है। अब जहाँ तक ERCP का मामला है, केंद्रीय सरकार सहयोग करना चाहती थी, परंतु क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, लोगों को भ्रमित करके ERCP में केंद्रीय सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही, लोगों को गुमराह करते रहे कि हमको वोट मिल जाएंगे, पर क्या हुआ, जनता ने आपको नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और सरकार, अब बीच में मत बोलो भाई, और अब ERCP का समझौता आप क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी नियत में खोट थी, आप ERCP में समझौता करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि ERCP का समझौता हो जाता तो आपको जितनी सीटें अभी मिली है उससे भी इतनी सीटें भी आपको नहीं मिलती। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अब ERCP में कितना पानी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा, पर इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश की 21 जिले हैं वहां पेयजल के साथ साथ सिंचाई का पानी भी वहां के किसानों को, वहां की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले 2013 से 2018 के बीच में, तो हमारे उस समय की प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की थी, उसमें तो पानी को इकट्ठा ही करना था। आपने कांग्रेस के लोगों ने उस योजना को, इनकी सरकार आई तो बंद कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी वर्तमान सरकार को कि उन्होंने जो जल स्वावलंबन योजना थी उसको पुनः चालू किया है और इसके अंतर्गत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5,00,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाने की घोषणा की है। बीच में मत बोलो, मैं थारे बीच में कौन बोलूं भाई, आप उधर मत देखो, आप तो इधर, आप एक तरफ तो कहते हो छोटा भाई और फिर बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करो। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम 10% हैं,
परंतु में पानी की उपलब्धता केवल 1.6% है। पिछले मानसून में प्रदेश की भूमि को 10.96 अरब घनमीटर BCM पानी मिला और 16.55 अरब घनमीटर पानी हमने निकाल लिया, यानी 100% पानी की तुलना में 151% पानी हमने निकाल लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रदेश की 2023 में बनी 302 ब्लॉक की रिपोर्ट डराने वाली है। 219 ब्लॉक अतिदोहित हैं 100% से ऊपर, 30 सेफ हैं 70% से नीचे, 20 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल हैं 70 से 90% और 22 ब्लॉक क्रिटिकल 90 से 100%। केवल प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सुरक्षित हैं, बाकी सब 6 जिलों में दयनीय स्थिति है। भूजल केवल 30% बचा है। जैसलमेर में आवक से 324% ज़्यादा और जयपुर शहर में जितना पानी की आवक है उसका 221% निकासी है। सीकर, अलवर, दौसा में सबसे ज़्यादा भूजल स्तर घटा है। मैं प्रदेश की ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जयपुर शहर से आता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को, क्योंकि टाइम कम दिया है इसलिए केवल जयपुर शहर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जयपुर शहर में जो पेयजल की स्थिति है, आज जयपुर शहर में 40 लाख की जनता को बिसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही अजमेर, टोंक और दौसा और सैकड़ों गाँव में भी इस परियोजना के माध्यम से पानी उपलब्ध होता है। पर आज बिसलपुर योजना की स्थिति क्या है कि ये पूर्णतया मानसून पर निर्भर करती है। पिछले 16 साल में केवल 4 बार ये बिसलपुर बांध पूरा भरा और 12 बार ये बांध नहीं भरा। ये और अभी आज यदि स्थिति देखें, आज पूरे प्रदेश में बरसात हो रही है पर बिसलपुर कैचमेंट एरिया में अभी तक बरसात नहीं हुई है। केवल 29% पानी वहाँ पर बचा है। अब यदि 29% पानी वहाँ बचेगा, आज स्थिति क्या है कि हमारे जयपुर शहर के 16 ब्लॉक हैं, 16 जो ब्लॉक हैं वो अतिदोहित हैं और वो डेंजरस स्थिति में हैं। और जो भूजल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2 साल में जयपुर शहर में जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय ब्राह्मणी नदी से और बिसलपुर बांध को जोड़े जाने का की घोषणा उस सरकार ने की थी और उसकी DPR बनाने के लिए जलदाय विभाग ने जल संसाधन विभाग को 6 करोड़ रुपए भी दे दिए, परंतु दुर्भाग्य से फिर ये लोग आ गए, इनकी सरकार बन गई। इनकी प्राथमिकता में तो जयपुर था नहीं, इनकी प्राथमिकता में तो जोधपुर, इनकी प्राथमिकता में कोटा। तो आपने क्या किया कि उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं आज अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, सभापति आपके माध्यम से, कि आप ये ब्राह्मणी नदी से और बिसलपुर परियोजना को जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। उस समय उसमें 6,000 करोड़ रुपए लगने थे, पर अब मुझे लगता है कि इसमें और राशि बढ़ गई होगी, परंतु यदि ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जयपुर में जो स्थिति है आज, जो यानी कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि 2 करोड़ लीटर पानी आपने यहाँ कटौती कर दी, ये सही बात है ना? और आज अजमेर में 48-47 घंटे से पानी मिल रहा है, आज टोंक में और दौसा में भी पानी की यही स्थिति है। तो यदि बिसलपुर से आप यदि ब्राह्मणी नदी को जोड़ देंगे तो ब्राह्मणी नदी से राणा सांगा बांध में और रावतबाटा का जो बांध है उसमें जो पानी वहाँ से जब भरने के बाद जो निकलता है वो वेस्ट जाता है, चंबल में चला जाता है, वो यदि हमारे बिसलपुर में आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी यह स्थायी समाधान हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने भी ये कहा है कि हम ट्यूबवेल से पानी देंगे। जयपुर शहर में 3300 ट्यूबवेल हैं अभी वर्तमान में,
उनमें से 600 से ज़्यादा ट्यूबवेल अभी खराब पड़े हैं। तो मैं ये चाहूँगा, और आप कल कह भी रहे थे कि इनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग चेंज करेंगे, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, और आपने जो अभी हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवेल और 20-20 जो हैंडपम्प देने की बात कही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, और इसको आप जल्दी से जल्दी लगवाने की बात करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार सभापति जी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, मैंने पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे जयपुर शहर के 5 लाख से ज़्यादा लोग मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, और उनके लिए जल कनेक्शन की कोई नीति नहीं है। और उस समय जब मैंने कहा तो तत्कालीन हमारे जो मंत्री थे महेश जोशी जी, उन्होंने कहा था कि हम जल्दी ही इसकी नीति बना करके और लोगों को जल कनेक्शन देंगे, परंतु अभी तक जल कनेक्शन नहीं मिले। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप जवाब दो तो इस बारे में भी कि आपका क्या सोच है, और जयपुर शहर के जो मल्टी स्टोरीज के जो मकान हैं, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, उनमें किस प्रकार से आप जल कनेक्शन देंगे, इसके बारे में भी निश्चित रूप से आप बताएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो बरसात का पानी है, जैसे कल इतनी ज़बरदस्त बरसात आई, पानी पूरा व्यर्थ बह गया, इसके लिए आप कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करिए, और ये नियमों में संशोधन करिए कि जो भी नया मकान बनाएगा उसको अपने यहाँ पर उसका नक्शा तभी पास करेंगे कि जब उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वो अपने मकान में डेवलप करेगा। और जितने भी जो सड़कें हैं जहाँ लाखों लीटर पानी बह जाता है, वहाँ पर भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए कि वो पानी व्यर्थ नहीं बहे और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा वो भूजल के अंदर जाए। इससे हमारा भूजल स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि आज ये जो चिंताजनक स्थिति है, जो अपने भूजल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, 2 साल में पानी खत्म हो जाएगा। यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो आप देख लीजिए कि पानी की स्थिति क्या होगी। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।